हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का निधिस किचन में। आज हम बनाने वाले हैं मशरूम मटर पुलाव। सबसे पहले एक ग्लास बासमती चावल को अच्छे से धो लेना है और उसे भिगोकर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। कुकर गरम हो गया है, उसमें हम डालेंगे 3 चम्मच घी। अगर आपको घी पसंद नहीं है तो आप यहाँ पे तेल का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन घी से पुलाव को ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इसमें डालेंगे एक बड़ी इलायची, एक हरी इलायची, एक दालचीनी, तेजपत्ता और 10 से 12 काजू। काजू को हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। अब हम इसमें डालेंगे मशरूम। मैंने यहाँ पे मशरूम को बॉईल कर लिया है। अगर आप यहाँ पे बटन मशरूम का इस्तेमाल कर रहे हो तो उसे बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है। मशरूम को 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। अब इसमें मटर डालना है। मैंने यहाँ पे आधा ग्लास फ्रोज़न मटर लिया है। आप फ्रेश मटर का इस्तेमाल भी कर सकते हो। इसे अभी हम 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। मटर फ्राई हो गए हैं, अब हम इसमें डालेंगे एक बड़ा साइज का आलू। आलू कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हो। इसे भी 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे भिगो के रखे हुए बासमती चावल। चावल को सब्जियों के साथ अच्छे से मिला लेंगे और इसे भी 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। चावल को चलाते रहना है ताकि वो नीचे चिपके नहीं। हमने यहाँ पे एक ग्लास बासमती चावल लिया है जिसे हमने 15 मिनट के लिए भिगो के रखा था। अब हम उसमें डालेंगे 1.5 ग्लास पानी। ध्यान में रखें, एक ग्लास बासमती चावल के लिए 1.5 ग्लास पानी का इस्तेमाल करना है। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और इसे हाई फ्लेम पे एक उबाल आने देना है। एक उबाल आ गया है, अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी और कुकर का ढक्कन लगा के इसे हाई फ्लेम पे 2 सीटी आने तक पका लेंगे। 2 सीटी आने के बाद गैस का फ्लेम हम बंद करेंगे और कुकर को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। कुकर को बीच में नहीं खोलना है, वरना चावल जो है वो कच्चे रह जाएंगे। कुकर ठंडा हो गया है, आप देख सकते हो चावल एकदम अच्छे से पक गए हैं और एकदम खिले खिले हैं, एक दूसरे को चिपके नहीं है। पुलाव एकदम खिला खिला बना है। ये पुलाव आप सेजवान चटनी, दाल तड़का या कोई भी ग्रेवी सब्जी के साथ खा सकते हो। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।